सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं देख रहा हूं कि कई तरीके की फर्जी अफवाह, फर्जी खबरें डाली जा रही हैं। कृपया करके आप सभी सावधान रहें, ऐसी कोई भी खबर प्राप्त नहीं हुई। जैसे ही खबर प्राप्त होगी आपको बता दिया जाएगा। दूसरी बात, खुशी इस बात की होती है कि कहते हैं ना कि जब आप काम करते हो तो लोग धीरे धीरे आपके साथ खड़े होते हैं। अभी दो दिन पहले मैंने ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाली थी, जनपद अमेठी का मामला था। राम बरेली को वर्दी नहीं पहनने दे रहे थे दीवान जी, नए नए दीवान जी आए थे और उन्होंने हल्के में ले लिया उनको। बंदा पीड़ित था, फोन किया मेरे पास। मैंने पूछा कार्ड बनवाया है? बोला नहीं भैया। फिर मैंने उनके बैकग्राउंड को चेक किया तो पता चला कि वो शायद दूसरे संगठन के साथ जुड़े थे। तो अचंभा मुझे इस बात का हुआ कि जो काम उनके संगठन नहीं कर पा रहे और वो काम हम जैसे व्यक्ति कर पा रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि आपके आशीर्वाद की ताकत है। जब आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है तो ईश्वर की कृपा अपने आप होती है, और जो पाप पाखंड करते हैं उनके ऊपर ईश्वर की कृपा ना होती। फिर भी मुझे लगा, जिलाध्यक्ष पवन कुमार से बात हुई, चलो यार मदद करनी चाहिए। कार्ड बनवाने का मेरा एक ही उद्देश्य है। देखिए, कार्ड अगर बनवाते हैं ना तो उससे मुझे यह पता रहता है कि तुम मेरे साथ खड़े हो। अगर आप गलत भी करोगे तो भी मुझे सब कुछ पता चलेगा, अगर आप मेरे प्रति अगर कुछ भी आप करोगे, क्योंकि कार्ड की जो पहचान है बिल्कुल अलग है। उस कार्ड से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि अपना जो संगठन है वो हिम्मत से काम करता है, जमीन पे काम करता है। की मैंने उनकी मदद, मैंने मुंशी दीवान जी से बात की। उन्होंने बोला नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा आगे से। आज वही बंदे लगभग 8-10 लोग एकजुट होकर के जिला अध्यक्ष पवन कुमार के पास पहुंचे, बोले मुझे अनुया के साथ ही जुड़ना है। बोले भैया ये तो आपने चमत्कार कर दिया, हम लोगों का एक सम्मान हो गया, समझ लो इतना ज्यादा हो गया है कि अब हम ही क्या बोले। हम भैया मैं कार्ड बनवाना चाहता हूं, आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगा मुझे। पता है मैं ये चाहता हूं कि मैं जिनके दिमाग में अंधभक्ति है, जिनको लगता है कि नहीं मैं अन्नू के साथ क्यों जुड़ू, भाई साहब अन्नू के साथ अब तब जुड़िए ना जब आपकी समस्या का समाधान हो। मत जुड़िए, हम आपको जबरदस्ती नहीं जोड़ रहे हैं, ना जबरदस्ती जोड़ेंगे। मैं काम करता हूं, आपसे पैसे नहीं लेता हूं काम करने के। बहुत अच्छा लगा। आज 10 लोग हमारे एक नए मेंबर्स बन रहे तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आने वाला जो महासम्मेलन होगा देखने योग्य होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि संख्या 15 से 20 हजार प्लस ही जाएगी। जिस हिसाब से कारभार किया जा रहा है, थोड़ा लखीमपुर क्षेत्र बहुत कमजोर है। मैं उम्मीद करता हूं कि लखीमपुर के जो चौकीदार हैं, यदि उनके अंदर दिमाग होगा, समझदार होंगे, तो कृपया करके आप हमसे संपर्क जरूर कर लें। व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें अगर कॉल नहीं उठता है, क्योंकि हम हर जनपद को मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कार्य हो सबके लिए अच्छा। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।